2 साल से कम उम्र के बच्चों और शिशु के लिए भावनात्मक कोचिंग पर टिप्स। हम सभी भावनाओं के साथ पैदा हुए हैं। अपने बच्चे की भावनाओं को देखने, समझने और स्वीकार करने और बच्चे के इमोशन कोच बनने से माता पिता अपने बच्चे के जन्म से ही उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन कर सकते हैं। शिशुओं की मौखिक वर्णन क्षमता सीमित होती है। उनकी भावनाओं की प्रतिक्रिया देने में आपकी सहायता करने के लिए यहाँ 3 युक्तियाँ दी गई हैं। सावधान रहें, भावनाओं में परिवर्तन पर ध्यान दें और आपके बच्चे और आपके दोनों की स्थिति पर ध्यान दें। परिप्रेक्ष्य बदलें, समझदार बनें और अपने बच्चे से संपर्क करने का अवसर तलाश करें। सहानुभूति व्यक्त करें, समझ दिखाएं। आइए देखें कि माता पिता बच्चों की भावनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया दे सकते हैं। शिशुओं और बच्चों की भावनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए टिप्स। 4 महीने का बच्चा अपने मुंह में खिलौना डालता है। घरेलू सहायक ये देखते ही खिलौना उठा ले जाती है और बच्चे से कहता है कि चीजें उसके मुंह में ना डालें। नहीं, नहीं। माँ बच्चे के लिए सावधान है और देखती है कि वो क्यों रो रहा है, सो वह सहायक को सलाह देती है। मुझे पता है कि तुम्हें चिंता है कि ये खिलौना गंदा है, लेकिन अगर आप अपना परिप्रेक्ष्य बदलते हैं, इस समय इसे मुंह में कोई वस्तु लेना अच्छा लगता है और उसका खिलौना छीन लेना निश्चित रूप से उसे परेशान करता है। इसके बजाय उसे स्वच्छ तिथर दें। माँ धीरे से बच्चे को उठाती है और सहानुभूति व्यक्त करने के लिए उनकी अभिव्यक्ति का अनुकरण करता है। अब सहायक बच्चे को स्वच्छ तिथर देता है और बच्चा फिर से मुस्कुराता है। आइए एक और परिदृश्य पर एक नजर डालते हैं। पिता काम से घर लौटे हैं और माँ बच्चे को उसके हाथ में दे देती है। पिता उत्साहित है लेकिन बच्चा रोने लगता है। भावनाओं के बारे में पिता सावधान है और अपनी और बच्चे की जरूरतें सोचता है। मैं थोड़ा निराश हूँ, वो मेरे साथ रहना नहीं चाहता, लेकिन 9 महीने के बच्चे के लिए माँ से अलग होने का डर सामान्य है। जब मैं अपना नजरिया बदलता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो दुखी होता है, तब मैं उसके साथ रहता हूँ। ये संपर्क के लिए एक क्षण भी हो सकता है। तब पिता धीरे से बच्चे को दिलासा देता है और सहानुभूति व्यक्त करता है और कहता है कि दुख की बात है, तुम्हें मम्मी की याद आती है ना, चलो अब मम्मी को ढूंढते हैं। तो पिता बच्चे को उठा लेता है और दोनों किचन के बाहर से माँ को देखते हैं। बच्चा धीरे धीरे रोना बंद करता है। जब आपका बच्चा खुश हो, आप इन टिप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। दादी रात का खाना बनाने में व्यस्त है जब उसका 18 महीने का पोता हाथ में खिलौना लेकर उसे अपने साथ खेलने के लिए मनाने का प्रयास करता है। दादी। दादी सावधान है और जानती है कि उसका पोता उसके साथ खेलना चाहता है, लेकिन वो पहले खाना बनाना चाहती है। दादी अपना दृष्टिकोण बदलती है और वो जानती है कि उसका पोता समझता नहीं है, वो अब व्यस्त है लेकिन बस चाहती है कि कोई उसके साथ रहे। इसलिए दादी अपनी सहानुभूति व्यक्त करती है और कहती है, तुम खुश हो और दादी के साथ खेलना चाहते हो, यहाँ किचन के ठीक बाहर बैठ सकते हो ताकि मैं तुम्हें खेलते हुए देख सकूं। जब मैं खाना बना लूंगी तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। लड़का उन्हें अपने साथ महसूस करता है और आनंद से खेलता है किचन के गेट के बाहर दादी की नजर के सामने। उसी समय में वो शांति से खाना बनाना जारी रख सकती है। जब आपका बच्चा भावनाएं दिखा रहा हो, सावधान रहे और आपके बच्चे की भावनात्मक परिवर्तनों पर ध्यान दें। दृष्टिकोण बदलें और खुद को याद दिलाएं, ये आपके बच्चे के साथ संपर्क करने का एक अवसर है। फिर उसकी सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने के लिए सहानुभूति व्यक्त करें और अपने माता पिता बच्चे के संबंध को आगे बढ़ाएं। बच्चों के सामाजिक भावनात्मक विकास और प्री स्कूलर शिशुओं की भावनाओं की प्रतिक्रिया कैसे दें, इसके बारे में अधिक जानने के लिए कृपया भावनाओं और संबंध महत्वपूर्ण है और भावना प्रशिक्षण के 5 चरणों पर वीडियो देखें।
भावनात्मक कोचिंग के बारे में अधिक समझने के लिए कृपया परिवार स्वास्थ्य सेवा विभाग की वेबसाइट www.fhs.gov.hk पर जाएं और संबंधित पैम्फलेट्स देखें। ये वीडियो स्वास्थ्य विभाग की पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा द्वारा निर्मित किया गया है।